हेलो गाइस, यहाँ भारत की सबसे खूबसूरत जगह बोलते हैं। पहली बार घोड़ों पे गधे बैठे हुए हैं। कीचड़ वाला रास्ता है। काठी पे घोड़ा, जान की रोने वाली है। तो अब एक और एक्टिविटी है यहाँ पे गेम की, और ये हमारी भाभी जी भी आ गई हैं अपनी वीडियो बनाते बनाते। तो अब हम ना उसको भी करते हैं, क्योंकि मेरे को ना वो तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, ये देखा तो था, तो मेरे को लग रहा है ना उसमें भी बहुत मजा आएगा। तो अब हम उसको करते हैं। तो कैसा घाम लग रहा है ना, ऊपर ठंडा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। गाइस यहाँ पे एक और एडवेंचर है जंपिंग का। तो देखते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये तो डरावना लग रहा है। बाप रे, पूछते हैं टिकट भैया। डर लगा, इसको देख के ना मुझे अपने बस की बात नहीं लग गया, बहुत ही डरावना लग रहा है। भैया की है क्या, खो गई थी तो हम दूसरी जगह चल रहे हैं। एक नई चीज दिख रही है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है, तो मैंने कहीं नहीं देखा, टीवी में भी नहीं देखा। तो अब ना हम इसको करते हैं, इसको तो मैं पक्का करूंगी। इसमें ना एक ही खिड़की जैसी है, और इस विंडो से अंदर लोगों को भर रहे हैं, और फिर पूरे राउंड ग्राउंड में ऐसे घुमा रहे हैं। इसमें हम वीडियो बना सकते हैं ना। हाँ, एक बॉल वो आगे चली गई है, इसी में जाएंगे हम दोनों, और टकरा तो नहीं जाएंगे। भैया हम भी आएंगे। तो दोस्तों ये खाली हो गया, और हम तीनों भाभी में और चांद की ना इसमें बैठे हैं। ये जाने वाली खिड़की देखो, गर्म होगा शायद इसके अंदर। इसके चार्जेस है 250। बोले डाल दो, चल नहीं रहा टाइमर? चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसका वजन ज्यादा है, ऊपर वाली साइड। ठीक, बाय। जाना कैसे है आलम? पीछे जा रहा है। आप उधर बैठो, मैं उधर उधर हुए। मेरा वही जाना है। थैंक यू सो मच। ये खुद मानेगा ना हमारे कपड़े इसके अंदर, तो प्लास्टिक है, कितना गर्म हो रहा है। इतना गर्म हो रहा है ना, ये तो रबड़ जैसा पिल पिल कर रहा है। वही तो है प्लास्टिक, जेली नहीं होती जो खाने वाली। इसमें तो मेरा दम घुस रहा है, घुट रहा है, घुस रहा है। ठंडियों के लिए है, ठंडियों में जिसको ठंड लग रही हो बर्फ में, इसी में जाओ नीचे करो, लाइक फूल मम्मी को तो सब याद आएगा सच में। और दी कभी मेरी भी वीडियो बनाना, ठीक है? पीछे पीछे ले, पीछे हो, कहाँ से हो? थोड़ा ऐसे करो, ऐसे इसको। गाइस मम्मी पापा सब याद आने वाले हैं, बोला मेरे को तो इस गर्मी से याद आ गए। खड़े हो जाओ थोड़ा, खड़े। और अब हमारी भाभी को बैठ लगे। बाहर की दुनिया भी दिख रही है, बादल, हरी भरी घास। बाल को पीछे करो ना। किसको? अच्छा, बाल को। आप क्या समझते हो? थोड़ा आपकी लैंग्वेज मोटी है ना। हाल बोलते हो आप? हाल जब फैन बोला करो। वो छोड़ना नहीं, ये पीछे पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं बिल्कुल। तो वीडियो कैसे बनेगी फिर हमारी? एक हाथ से पकड़ो, एक इसमें अलाउड ही नहीं है। वैसे ना इसको बोलते क्या है भैया? लैंड लैंड जॉबलिन। तो गाइस इस एक्टिविटी का नाम है लैंड जॉर्बिन, और इसमें ना कैमरा अलाउ नहीं है। पर मैंने कहा ना भैया से मैं यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ ना, तो उन्होंने मेरे को कैमरा अलाउ कर दिया कि हम बैठ गए हैं ये, और बोल रहे हैं कि अभी मम्मी पापा नाना नानी सब याद आएंगे, तो पता नहीं कौन कौन याद आता है। पर जहां तक पॉसिबल चश्मा आपका निकलेगा तो नहीं पता नहीं। Oh my God!
बाप रे, वीडियो बनेगी नहीं बताई। डर तो लगा पर मेरे को तो सबसे ज्यादा मजे हाँ पैसे वसूल वाला यही लगा। भाभी कैसा लगा? अब मजा आ गया। अम्मा पापा मम्मी ईजा बाजी सब याद आ गए। ऐसा नहीं सर, हम माइक में बोल रहे हैं। हाँ? आपको भी लग रहा है? हाँ? पता नहीं कान के पर्दे खुल गए सर। मेरे किसी जमाने में कान के पर्दे बंद हुए थे, आज खुल गए। बाप रे, और मजा है भैया, मेरे को सबसे सही लगा। ये इसको मोबाइल को छुपा के रखो, क्योंकि मेरे को फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। आज कोई मोबाइल नहीं, इसमें अलाउड नहीं है। चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, पहलगाम का कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा इस बॉल के अंदर जाके लगा, और उसके बाद ये रोप वे, ये भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस पे तो बहुत ही अच्छा, और बहुत ही मजा आया। इनका एक्सपीरियंस जहाँ पे पहाड़ आते हैं और नीचे डाउन में जाना पड़ता है, वो भी बहुत अच्छा लगा। आए, अब तो पूरा डाउन ही, और कीचड़ भी, अब तो ऐसी हालत होने वाली है जाते समय, टिक दिक टिक दिक, और डर लग रहा है कहीं घोड़ा ना गिर जाए। अगर घोड़ा गिरा तो हम तो गए। घोड़ा तो गिर गया था, बच गए। गाइस आप देख ही रहे हैं सामने में वो जो पहाड़ है उनमें बर्फ गिरी है। लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पहलगाम में एक डेढ़ महीने से यहाँ पे बर्फ नहीं है, तो यहाँ पे और सारे एडवेंचर तो है ही, बस स्नो नहीं है। अगर स्नो होती तो फिर तो काफी मजा आता, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, इतनी शानदार जगह है ना, मैं बता नहीं सकती। दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है, जो वो है ना बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है, कश्मीर फाइल्स की शूटिंग हुई है, और दिल है बेताब की शूटिंग हुई है, और एक वो कौन सी है आमिर खान की, आमिर खान और करिश्मा की, राजा हिंदुस्तानी, यस राजा हिंदुस्तानी की भी शूटिंग भी यही हुई है कश्मीर वैली में। पूरा ही पहलगाम यहाँ भी तो। दोस्तों यहाँ पे ना बहुत अच्छी जगह है, देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ पे जो मूवीज होती है ना उनकी भी शूटिंग होती है। अभी राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग यहाँ हुई थी, दिल है बेताब की यहाँ हुई थी, और बजरंगी भाईजान की यहाँ हुई थी, और कश्मीर फाइल है ना जो वो तो पूरी पहलगाम वैली पे बनी हुई है। तो अभी हम अब नीचे जाएंगे ना, तो नीचे जाके नदी के किनारे वहां पे कश्मीर फाइल्स की पूरी शूटिंग है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको वहां का व्यू दिखाऊं। तो अब अभी यहाँ पे बहुत मस्ती हो गई है, और जो घोड़े वाले भैया है ना उन्होंने बोला था कि एक घंटे में आ जाना, और हमने बहुत टाइम लगा दिया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा कुछ खाते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं, और अब डर भी लग रहा है क्योंकि डाउन है, और घोड़ा कहीं लुढ़का ना दे, डर लग रहा है। तो ठीक है, मैं नीचे जाके मिलते हैं। दोस्तों आज हमने ये मिनी स्विट्जरलैंड घूम लिया है, और हम जा रहे हैं नीचे। तो ना अभी नीचे को जानने में ना घोड़ी डुक 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 कर रही है, तो डर लग रही है, और मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है, तो मैं फोन अपना चार्ज कर लेती हूँ बैग में, और आपको नीचे जाके मिलती हूँ। गाइस इतने ज्यादा डर लग गया ना घोड़े में, ऊपर को जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, और आते समय ऐसी डर लगी नीचे को, और ये बेचारे कमल दाते एक बार गिर भी गए। इतना भयंकर गिरे घोड़े से, तो फिर बहुत डर लग गई थी, तो हम उतर गए, और हम पैदल चल रहे हैं, इससे तो पैदल ही ठीक हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन है, तो घोड़ा बिल्कुल ऐसे हो रहा था, तो बहुत डर लग रही थी। बाकी सब लोग जा ही रहे हैं। दोस्तों देखो कितना खतरनाक रास्ता है, और यहाँ से घोड़ा कैसे आता हो तो गिरा ही देता, इसलिए हम घोड़े से उतर गए हैं। बाबा हो, किंग ही हो गई आज हमारी है। हाँ आना भी पैदल ही था, पैर जो दर्द हो गए घोड़े में ऐसे बैठ बैठ के, और ऊपर से ऐसे ही खिंचाड़ हो रहा है ये। अगर कमल था इसमें गिरते तो कीचड़ में। दोस्तों एक बार फिर हिम्मत करके हम घोड़े में बैठ ही गए,
इनके घोड़े को ना मार दे मेरा घोड़ा। और ये कमलदा ने हमारे कमान संभाल ली है। एक बार गिर के इतना भयंकर पड़े उल्टा। वैसे हम पैदल भी जा सकते थे लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं था, और ऊपर से इन लोगों ने बोल दिया कि 4 पॉइंट हैं, और रास्ते में क्या बोल दिया, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, ऐसे ही बता दिया। ऊपर जाके बोल रहे हैं हो गए आपके 4 पॉइंट। तो कभी भी यहाँ पे आए तो बोलना कि मिनी स्विट्जरलैंड तक ही जाना है, रास्ते में पॉइंट खुद ही पड़ जाते हैं और इंजिन में कुछ है नहीं, बस कहने की बात है। अरे भाई ये गिराएगी इसकी, वो आगे की रस्सी तो दे दो मेरे हाथ में। अभी तो मेरी शादी को 1 महीना हुआ है। हाँ। मरूर गई तो मैं, एडवेंचर कर दिया इसने। देखो तो मरूर गई तो लास्ट लगा ना मिली हो। घोड़े की तरह एडवेंचर था है। मेरा घोड़ा चरने लग गया ये दोनों घोड़ियां ना भिड़ जा रही हैं क्योंकि इन दो ये दोनों ना कपल हैं। हम आपका घोड़ा और मेरी घोड़ी कपल है, भिड़ जा रहे हैं बीच बीच में। भाभी जी कुछ बोलना चाहोगी? बस कुछ नहीं, और फ्लाइट के बारे में हम आ गए, पता कर लिए हमने। कौन सी वैली थी ये? स्विट्जरलैंड वैली पे दूना गिरी वैली। गाइस अब हम जा रहे हैं, हम पहुंचने वाले नीचे, और डर तो लगा पर मजा भी बहुत आया। 10 मिनट हाँ तो 10 मिनट ही तो है। ओए जा मेरी ऐसी थगी हो, पटा लग गए, ऐसी पटा लग गए घोड़ में, आटे भाटे सब हिल गया। सच में आंधड़ी भी निकल गई मेरी तो। हाँ आंधड़ी भी। हाँ जानी कुछ बोलोगे? जानकी मैं कुछ नहीं बोलने, मेरे बोलने की हिम्मत तो शानी आपको बोल रहे हैं। तो शानी कुछ बोलोगी? वो उसकी बत्ती बंद रखी है। ढूल ढूंगे शानिया वो पूरंदा, वो कुछ बोल लो। डर के मारे आवाज नहीं निकल रही। बेचैन है रस्ते पे नैन है, आज सांवरिया आ आ आ आ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे अंकल इसको पकड़ो। ये ओ मम्मी बाबी बड़ा भाई, आप तो पकड़ भी नहीं रहे हो, फोन चला रहे हो। ये देखो इनका मुंह, ये बाबरे। मुर्गे भी हैं यहाँ पे, और कई लोगों की नजरें भी हैं उन मुर्गों पे। बढ़िया मुर्गा बनाने। ओ जानी जितने लोग आ रहे हैं सब पछताएंगे अभी ऊपर जाके घोड़े में क्यों आए। क्योंकि चलो 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 पकड़ो। तो दोस्तों हम नीचे आ गए हैं, और थोड़ा खा के ना हम यहाँ पुल के पार आ गए हैं, और जितनी भी मूवीज होती है ना कश्मीर की वो यहीं शूट होती है, क्योंकि एक पहलगाम ही ऐसी जगह है जो भारत में सबसे ज्यादा सुंदर जगह है, और इसी वजह से यहाँ पे ना ये कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये देखिए मेरे पीछे इतनी खूबसूरत जगह है और नदी भी है, तो अब मैं नीचे जाके आपको नदी का व्यू दिखाती हूँ। आगे कि कितनी खूबसूरती है दोस्तों। यहाँ पे ना यहाँ पे भुट्टे बन रहे थे तो हम भुट्टे खा रहे हैं।
आ जा फिर। दोस्तों सच में धरती का स्वर्ग है, इतना सुंदर व्यू है ना मैं बता नहीं सकती गाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है और इतना अच्छा वेदर है। तो यहाँ पे ना मैक्सिमम मूवीज की शूटिंग होती है, अभी कश्मीर फाइल, बजरंगी भाईजान और जितनी भी मूवीज है मैंने आपको बताया था वो सारी यहीं शूट हुई है। ये पहलगाम है और जेना रोड के पास में एक गार्डन है, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल है और बीच में नदी भी है, तो हम वहां चलते हैं। और वो नदी ना सीधे हिमालय से निकल के आती है, ऊपर बर्फ है ना, बर्फ के पहाड़ है तो वहां से आती है, बहुत ठंडा पानी है। तो एक बार हम नदी में चलते हैं। भुट्टे ने तो आज के इस दिन पे ना चार चांद लगा दिए, चलें। आए ऊपर से ज्यादा सुंदर तो यहाँ है, कितना अच्छा गार्डन है। ऊपर से हम यहाँ नीचे आए ना पूरी थकान मिट गई। उस तरफ ना नदी है और इस गार्डन के उधर तरफ भी नदी है, तो हम वहां चलते हैं। वो सीधे हिमालय से ना ऊपर बर्फ में पहाड़, ऊपर पहाड़ों में बर्फ है, वो पता नहीं आपको दिख रहे होंगे या नहीं, तो सीधे वहां से ठंडा पानी आ रहा है तो हम नदी में जाते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत गर्म हो रहा है पता है, यहाँ तो फिर भी हवा चल रही है, ऊपर तो इतनी गर्मी हो रही थी। दोस्तों हम आ गए इस नदी में और ये ना ऊपर से जो हिमालय बर्फ पड़ी है ना वहाँ से पानी आ रहा है, इतना ठंडा है ना गाइस, तो हमने हम इसमें नहा रहे हैं, हम सारे इसमें नहाते हैं। पानी मिल पानी कितना ठंडा पानी है, मेरे पैर फुनफुन ही गए, बंद कर दूं, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा झमक लग गई कर रहा है, तुम्हारे बस की नहीं है छोड़ो। नदी है ना, वो जो रास्ते में मैं आपको दिखा रही थी ना, रास्ते से यही नदी गई हुई है। हमने मेरा इसमें पत्थर फेंकने का मन कर रहा है, मैं इसमें पत्थर फेंकूंगी, गया भी क्या, मेरे को तो दिखाई नहीं, चमक रहा है। अब मैं बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लेती हूँ और दोस्तों अब जाने का भी टाइम हो रहा है। अब आज हमने यहाँ पे बहुत सारा घूम लिया, तो थोड़ी सी लास्ट की मस्ती और कर लेती हूँ। यहाँ पे लोग कैसे रेस्ट कर रहे हैं, देखो लोग खाना भी बना रही हैं, पतीले भी लाए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये शानदार पिकनिक चल रही है शैनी। तो गाइस यहाँ पे हमने बहुत घूम लिया है और ना बहुत मस्ती की, तो अब जाने का समय आ गया है, तो मेरे साथी आपको ना इस टाइम तो दोस्तों आज हम पूरे दिन बहुत ज्यादा घूमे, हमने घोड़े पे मजे तो बहुत किए लेकिन हमें डर भी बहुत लगा और हम आधा तक गिर भी गए थे, इसलिए हम आधे रास्ते में घुसे, फिर आधे रास्ते में घोड़े पे चढ़े, फिर फाइनली नीचे पहुंच गए। उसके बाद ये पार्क भी घूमा, अच्छा है पहलगाम, बहुत खूबसूरत जगह है, इसलिए तो यहाँ पे मूवीज की शूटिंग होती है, सच में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और आपसे मिलूंगी एक नए खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।